लंबे बालों वाली बहू। ये कहानी है लोखंडवाला गांव की, जहां रितिका अपने परिवार के साथ रहती थी। रितिका को पहले से ही लंबे बालों का बहुत शौक था, पर रितिका के बाल ज्यादा बढ़ नहीं पाते थे, इसलिए वो एक दिन डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर, मैं इतनी कोशिश करती हूँ, पर मेरे बाल बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे। मैंने कितने ही घरेलू उपाय किए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तो आप मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो, जिससे मेरे बाल लंबे हो जाएं। बेटा, ये दवाई ले लो तुम। इससे तुम्हारे बालों में एक हफ्ते में ही असर दिखना शुरू हो जाएगा। क्या? सच में डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर रितिका वहाँ से खुश होकर अपने घर आ जाती है और उस दवाई को रोज लेना शुरू कर देती है। फिर एक हफ्ते बाद उसे महसूस होने लगता है जैसे उसके बालों पर थोड़ा असर पड़ना शुरू हो गया है। फिर एक महीने बाद जैसे ही वो कॉलेज जाती है, तो उसके दोस्त उसे कहने लगे, रितिका क्या बात है, आजकल बालों में क्या लगा रही है? यार, तेरे तो बाल बहुत ही सुंदर और लंबे हो गए हैं। कुछ ही हफ्तों में तेरे बाल तो मुझसे भी लंबे हो गए हैं। इतना सुनते ही रितिका बहुत खुश हो जाती है और फिर वो इतराती हुए बोलती है, अरे सीमा, कैसी बात कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू भी ना कितना मजाक करती है। फिर कुछ ही समय में रितिका के बाल काफी लंबे हो चुके थे और उससे अपने बाल खुद संभल भी नहीं पा रहे थे, जिस कारण उसके बाल उसकी मम्मी ही धोती थी। तो उसकी मम्मी उसे कहती है, बेटा रितिका, तेरे बाल तो दिन प्रतिदिन इतने लंबे होते जा रहे हैं, अब तुझसे ये संभल भी नहीं पा रहे हैं, तो मेरी मान बेटा, तू अपने ये लंबे बाल कटवा ले। माँ, आप कैसी बात कर रही हैं? इतनी मुश्किल से तो मेरे बाल इतने लंबे हुए हैं और आप इन्हें काटने की बात कर रही हैं? बाल तो तूने लंबे किए हैं और इनकी देखभाल मुझे करनी पड़ती है, इन्हें धोना बांधना सब मुझे ही करना पड़ता है। माँ, आप प्लीज मेरे बालों को नजर मत लगाओ, लोग इतने लंबे बाल के लिए तरसते हैं और आप इन्हें काटने की बात कर रहे हैं। रितिका और उसकी माँ ऐसी बातें कर रहे थे, तभी उसके पिता वहाँ आते हैं और उसकी माँ को कहते हैं, रितिका की माँ, मैं सोच रहा हूँ अब हमें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। अजी, हम रितिका की शादी तो कर दे, पर आपको तो पता है कि रितिका के इतने लंबे बालों को देखकर लड़के वाले अक्सर मना कर देते हैं, पर रितिका है कि समझने को तैयार ही नहीं है। फिर कुछ समय बाद रितिका के लिए एक रिश्ता आ जाता है और लड़की की माँ रितिका के लंबे बालों को देखकर कहती है, हे भगवान, बहन जी, आपकी बेटी के कितने लंबे बाल हैं? अब ये अपने लंबे बाल संभालेगी या हमारे घर का काम करेगी? नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर इसका आपके घर में रिश्ता हो गया तो हम इसके बाल कटवा देंगे। अरे अरे, नहीं नहीं बहन जी, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जिसके इतने लंबे बाल हो, इसके लंबे बाल हमारे खाने में भी पड़े मिलेंगे, तो बस आप हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे से नहीं कर सकते। फिर लड़के वाले इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं और रितिका की माँ गुस्से में रितिका से कहती है, रितिका, तेरे इन लंबे बालों के कारण तेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा है और मुझे अब टेंशन होती जा रही है, भगवान ही जाने अब तेरा क्या होगा। मम्मी, आप कैसी बात कर रही हैं? जैसे तैसे तो मैंने अपने बाल बढ़ाए हैं, इन्हें बढ़ाने में पता है कितनी मेहनत लगी है और सब लोग मेरे लंबे बालों की तारीफ करते हैं और आप एक सेकंड में ही सारा खेल खत्म करना चाहती हो। रितिका, अब तू बड़ी हो गई है और तेरे लंबे बालों का शौक भी पूरा हो गया है, तो अब तू मुझ पर मेहरबानी कर और अपने ये लंबे बाल कटवा ले। माँ प्लीज, ये सब बातें छोड़ो और मुझे अब जाने दो, आज मेरी कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास है, वैसे ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। इतना कहकर रितिका कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज में दीपक नाम का एक लड़का रितिका के लंबे बालों से रोज छेड़छाड़ करता रहता था, उसके बंधे हुए बालों को खराब कर देता था।
उस दिन भी ऐसा ही हुआ और फिर दीपक कृतिका से कहता है, अरे मैडम, इन बालों को बांध कर मत आया करो, ये बंधे हुए अच्छे नहीं लगते और हम तो तुम्हारे इन लंबे बालों के दीवाने हैं। दीपक, तुम फिर से शुरू हो गए, और ये मेरे बाल हैं। अब मैं इन्हें बांधूं या खोलूं, ये मेरी मर्जी है। तुम कौन हो मुझे ये सब बोलने वाले? अरे मैडम, भले ही मैं अभी आपका कुछ नहीं हूँ, एक न एक दिन हो जाऊंगा। और रही बात आपके लंबे बालों की, तो इन्हें खुला देखकर मुझे सुकून मिलता है। क्या दोबारा बोलना, क्या बोला तुमने? कुछ नहीं, वैसे तुम्हें आज क्लास नहीं जाना क्या? ओह हाँ, तुम्हारी वजह से मुझे क्लास के लिए देर हो गई। चलो अब जल्दी से मेरे रास्ते से हटो। फिर दीपक कृतिका के रास्ते से हट जाता है और उसे एक स्माइल पास करता है। दीपक कृतिका से काफी प्यार करता था, पर उनकी रोज ही नोक झोंक होती रहती थी। फिर एक दिन दीपक कृतिका को अपने दिल की बात बताता है और उससे कहता है, कृतिका, क्या तुम मुझे कॉलेज के पीछे वाले रास्ते पर अकेली मिल सकती हो? क्यों दीपक, तुझे कुछ काम है क्या? हाँ, मुझे बहुत जरूरी काम है, तो प्लीज आ जाना। ठीक है, पर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए ही आऊंगी। हाँ बाबा, मेरे लिए 10 मिनट का। फिर कॉलेज खत्म होने के बाद रितिका और दीपक मिलते हैं। रितिका, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ, पर तुम गुस्सा मत करो। हाँ हाँ, बोलो दीपक, मैं सुन रही हूँ। फिर दीपक अपने एक घुटने के बल पर बैठ जाता है और एक गुलाब का फूल रितिका को देते हुए कहता है, रितिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लंबे बालों से भी। मुझे पता है तुम्हारे लंबे बालों की वजह से काफी रिश्ते टूट गए हैं, और अच्छा हुआ कि वो टूट गए, तभी तो मुझे आज अपने दिल की बात बताने का मौका मिला है। दीपक, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और जितना प्यार मुझे तुमसे है, उतना ही तुम्हारे इन बालों से भी है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें लंबे बाल रखना बहुत पसंद है, और तुम्हें वो लोग भी पसंद नहीं है जो तुम्हारे बालों के बारे में बुरा भला बोलते हैं। दीपक, तुम औरों से बहुत अलग हो। जहाँ सारी दुनिया मेरे बालों से परेशान है, वही तुम्हें ये अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो तुम रिश्ता लेकर कल मेरे घर आ जाना और मम्मी पापा से बात कर लेना। क्या रितिका, तुम सच बोल रही हो? क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? हाँ दीपक, तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई ने आज मेरा दिल जीत लिया, इसलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। रितिका, बस यही बात तुम्हारी मुझे घायल करती है। ठीक है, मैं कल ही अपनी माँ को तुम्हारे घर लेकर आता हूँ। अगले दिन संडे होता है, तो दीपक और रितिका दोनों की ही कॉलेज की छुट्टी थी। दीपक अपनी माँ को लेकर रितिका के घर चला जाता है। फिर दीपिका की माँ रितिका को देखकर कहती है, अच्छा ये लड़की पसंद आई है तुझे, पर बेटा ये इतने लंबे बाल असली है या नकली? हाँ माँ, रितिका के ये बाल बिल्कुल असली हैं। जी बहन जी, दीपक बिल्कुल सही बोल रहा है, ये रितिका के असली बाल हैं। अरे दीपक बेटा, तूने भी इतने लंबे बालों वाली बहू पसंद करी है, अब बहू खुद संभलेगी या अपने लंबे बाल संभालेगी? और क्या तू इसके इतने लंबे बाल संभाल लेगा? अरे माँ, मैं रितिका से बहुत प्यार करता हूँ, और इसके लंबे बालों से भी, और मैं दोनों को संभाल लूंगा, आप बस हाँ कीजिए। वैसे भी मुझे रितिका बहुत पसंद है, और मेरी खुशी सिर्फ रितिका में है। चल बेटा, जब तुझे ये लंबे बालों वाली बहू इतनी ही पसंद है, तो मैं क्यों कबाब में हड्डी बनूं? ठीक है बहन जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। इतना सुनते ही दीपक और रितिका एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं, और रितिका की माँ भी बहुत खुश हो जाती है, और फिर वो रितिका से कहती है, बेटा यही है तेरा सच्चा जीवन साथी, जो तेरा हर एक मुसीबत में साथ देगा और तेरे हर मुसीबत का सामना करने को तैयार रहेगा। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। दीपक ही मुझे और मेरे इन लंबे बालों को संभाल सकता है, और मैं भी दीपक से बहुत प्यार करती हूँ। फिर कुछ समय बाद रितिका और दीपक की शादी हो जाती है। दोनों बहुत खुश थे, पर दीपक की माँ अपने बहू के लंबे बालों से बहुत ही परेशान रहती थी, पर दीपक बहुत अच्छे से अपनी माँ को और अपनी बीवी को संभाल लेता था। उसने अपनी माँ की और अपनी बीवी की कभी लंबे बालों पर लड़ाई भी नहीं होने दी। दीपक ही रोज रितिका और उसके लंबे बाल संभालने में मदद करता था। फिर दीपक की माँ को भी अपनी बहू के लंबे बालों से कोई दिक्कत नहीं होती थी।